हेलो फ्रेंड्स, सीरियल गुम है किसी के प्यार में सभी कुछ ऐसा बोलने वाली है अपने माँ बाप के लिए कि वो सत्या से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। सभी पतंग उड़ाना सीखना चाहती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के सामने ये साबित करना चाहती है कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। तभी वो अपने बाबा को फ़ोन करके कहती है कि आप मेरे लिए पतंग और मांझा ले आओ और इसके बाद मैं अपनी माँ को मना लूँगी और आई मुझे सिखा देगी कि किस तरह से पतंग उड़ाई जाती है। लेकिन बाबा, अभी तो आई ने मना कर दिया है, वो मुझे पतंग उड़ाना नहीं सिखा रही हैं। और ऐसे में मजबूर हो जाएगा विराट आने को, और वो सभी के साथ ही नहीं बल्कि सई के साथ भी पतंग उड़ाने वाला है। और यहाँ पर सभी एक बड़ी मांग रखने वाली है सत्या के सामने। क्या कुछ होने वाला है, हम आपको बताएंगे पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और हर नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अब तो जनरेशन लीप ही आने को तैयार है। मिलन होगा सई और विराट का। ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे और अंत हो जाएगा सई और विराट की प्रेम कहानी का। लेकिन यहाँ पर जब अपने आई और बाबा को एक साथ पतंग उड़ाता देखेगी सभी, क्योंकि यहाँ पर विराट पतंग लेकर आएगा और मांझा लेकर आएगा और वो बहुत अच्छे से पतंग बांधना सिखाएगा सभी को। सभी सीखेगी और तभी वहाँ पर सई भी आ जाएगी। और ऐसे में विराट सभी से कहेगा, देखो मैं तुम्हें पतंग उड़ाना सिखाता हूँ लेकिन अभी तुम्हें चरखी पकड़नी होगी। लेकिन सभी यहाँ पर गलत तरीके से चरखी पकड़ेगी और तब सई कहेगी सभी से कि लाओ ये चरखी मैं पकड़ती हूँ क्योंकि तुम अभी ठीक से नहीं पकड़ रही हो। और जब तक चरखी ठीक से नहीं पकड़ोगी तो पतंग उड़ाना कैसे सीखोगी। और यहाँ पर अपने माँ बाबा को पतंग उड़ाता देख बहुत खुश हो जाएगी सभी और अंदर जाकर वो खुशी से फूले नहीं समा रही होगी और कहेगी सत्या के सामने कि आई बाबा, आज आप दोनों एक साथ पतंग उड़ाते हुए कितने अच्छे लग रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे आई और बाबा किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। आज आप लोगों ने मुझे किस तरह से थोड़ी ही देर में पतंग उड़ाना सिखा दिया, जो शायद मैं इतनी जल्दी सीख भी नहीं पाती। मेरे आई बाबा सबसे बेस्ट हैं। और इतना सुनकर सत्या को बहुत बुरा लगेगा। और यहाँ पर सभी एक बात और कह देने वाली है, सबके आई बाबा एक साथ रहते हैं तो आई आप और मेरे बाबा एक साथ क्यों नहीं रहते। और ये बात सत्या के दिल को छूने वाली है, जिसके बाद सत्या एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। तो कितने एक्साइटेड हैं आप ये सब देखने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे फिर किसी नई अपडेट के साथ।